सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले पर बीते शुक्रवार को हुए हमले के सिलसिले में बक्सर पुलिस ने 10 महिलाओं सहित 28 लोगों को गिरफ्तार किया है। बक्सर के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के काफिले पर पथराव मामले में अब तक 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 18 पुरुष और 10 महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में 99 नामजद और 500 से 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ डुमरवा थाने में कुल 5 प्राथमिक दर्ज की गई है, जिनमें से 28 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और बाकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। इस बीच पटना प्रमंडल के आयुक्त आनंद किशोर उन्होंने पटना प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक नयर हसनैन खान के साथ कल वारदात स्थल का दौरा किया था। उन्होंने बताया कि यह पता लगाए जाने के लिए कि यह हमला सुनियोजित था अथवा नहीं, अगर था तो इसके पीछे कौन लोग थे, मामले की पूरी जांच की जाएगी। अपनी समीक्षा यात्रा क्रम में बीते शुक्रवार को बक्सर जिले के नंदन गाँव पहुंचे नीतीश के काफिले पर स्थानीय लोगों के जरिए पथराव किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री तो बाल बाल बच गए थे, कई सरकारी कर्मी घायल हो गए थे तथा कुछ वाहनों को नुकसान भी पहुंचा था। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।